Assalamu alaikum students, I'm Waseem Ikram. This is the 44th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. Kaise hain aap? Inshallah, acche honge. Last lecture mein humne memory expansion, address decoding, memory maps pe baat ki thi. Aur uske baad humne FPGA devices pe thoda sa introduction diya tha. Aaj inshallah FPGA se baat shuru karenge aur aage hum A to D converters aur D to A converters ki baat karenge. Isse pehle ki aaj ka lecture shuru karein, aaiye last lecture ke kuch contents review kar lein. लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया बात हमने शुरू की थी मेमोरी मैप से एड्रेस डिकोडिंग और मेमोरी एक्सपेंशन से. बेसिकली हम ये कह रहे थे कि जो भी आप डिजिटल सिस्टम डिजाइन करते हैं, आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम है तो उसकी अपनी एक मेमोरी रिक्वायरमेंट है. डिपेंड करता है कि माइक्रोप्रोसेसर जो है कितने एड्रेसेस जनरेट कर रहा है. सो बेसिकली वो टोटल एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस डिटरमिन होगी उससे. किसी भी सिस्टम में रैम चाहिए इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए, रोम चाहिए कुछ इनिशियलाइजेशन के लिए, टेबल स्टोर करने के लिए, बफर्स की हमने बात की थी सिस्टम में बफर्स चाहिए डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, स्टैक इंप्लीमेंट करना है. तो ये सारी जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेमोरीज हैं ये एड्रेस होंगी माइक्रोप्रोसेसर से, एक्सेसिबल होंगी माइक्रोप्रोसेसर से. अब बेसिकली कितनी रैम चाहिए, कितनी रोम चाहिए, बफर का साइज क्या होना चाहिए, स्टैक का साइज क्या होना चाहिए, ये डिपेंड करता है उस डिजिटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट पे. जैसे हमने पहले बताया था अगर प्रोग्राम छोटा है, फ्यू इंस्ट्रक्शंस हैं तो छोटी रैम चाहिए होगी. टेबल्स बहुत सारे आपने इंप्लीमेंट किए हैं या बफर बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किए हैं तो अकॉर्डिंगली वो जो मेमोरी है बफर की मेमोरी रोम जो है वो ज्यादा होगी. दूसरी हमने बात की थी कि जो सिस्टम है वो एड्रेस स्पेस तो हमने डिटरमिन कर ली, डाटा यूनिट जो साइज है वो भी सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है. कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो 8 बिट इन्फॉर्मेशन से काम करते हैं, दूसरे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो 16 बिट इन्फॉर्मेशन से काम करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो 4 बिट इन्फॉर्मेशन से काम कर रहे हैं. सो बेसिकली इन सारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है. मेमोरी जैसे हमने बताया कि एक फिक्स फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, या तो सिंगल बिट में अवेलेबल होगी या 4 बिट में होगी या 8 बिट में होगी. नंबर ऑफ लोकेशंस जो है वो भी तकरीबन फिक्स्ड हैं. तो बेसिकली जो हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है उसको हमने इस किस्म का यूज करना है, इस किस्म से यूज करना है या कनेक्ट करना है ताकि जो हमारे डिजिटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो. बेसिकली हम ये कह रहे थे कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो एज ए मेमोरी मैप की सूरत में हम डिटरमिन करेंगे, दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि रैम इतनी है, ये साइज है, ये बेस एड्रेस है, इधर खत्म हो रही है, इस तरह रोम जो है उसका ये साइज होना चाहिए, फलाने बेस एड्रेस से शुरू हो रही है और इस पर्टिकुलर बेस एड्रेस पर खत्म हो रही है. तो ये सारी चीजें डिटरमिन कर लेंगे. उसके बाद जो अवेलेबल मेमोरी है उनको आपस में कनेक्ट करना है ताकि ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाए. हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास दो मेमोरीज हों तो अगर हमने डाटा यूनिट साइज बढ़ाना है, लेट्स से 8 बिट डाटा है और 16 बिट हमें चाहिए, जो हमारा डिजिटल सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट है कि 16 बिट डाटा यूनिट साइज हो, तो बेसिकली दो मेमोरीज को आपस में आपने ऐसा जोड़ना है कि दोनों मेमोरीज में जो एक जैसी लोकेशंस हैं, लेट्स से पहली लोकेशन या आखिरी लोकेशन या फिफ्थ लोकेशन दोनों मेमोरीज में, ये सारी इकट्ठी या साइमल्टेनियसली सिलेक्ट हों. सो बेसिकली दोनों की एड्रेस लाइन्स हमने आपस में जोड़ दी थी, चिप सिलेक्ट्स आपस में जोड़ दिए थे, रीड राइट लाइन जो है वो भी दोनों की मुश्तरका थी. जब भी रीड राइट सिग्नल अप्लाई करेंगे दोनों में रीड होगा या राइट होगा. जो डाटा लाइन्स हैं वो हमने सेपरेट रखी थी ताकि जो डाटा यूनिट का साइज है वो डबल हो जाए. नेक्स्ट हमने बात की थी कि अगर हमने नंबर ऑफ लोकेशंस बढ़ानी है, हमारा लेट्स से प्रोग्राम जो है 4K है वो बढ़ गया, 8K मेमोरी स्पेस चाहिए, तो बेसिकली मेमोरी को डबल करना है, नंबर ऑफ लोकेशंस डबल करनी है. सो वो कैसे करेंगे? बेसिकली एड्रेस लाइंस दोनों मेमोरी की जो है वो आपस में जोड़ देंगे, डाटा लाइंस भी आपस में जोड़ देंगे, रीड राइट लाइंस भी आपस में जोड़ देंगे. अब हमें ये करना है कि जो पहली मेमोरी है वो 4K पहले वाले 4K एड्रेसेस के लिए सिलेक्ट हो और जो दूसरी वाली मेमोरी है वो नेक्स्ट 4K एड्रेसेस के लिए सिलेक्ट हो. तो बेसिकली किसी डिवाइस को डिजिटल लॉजिक में सिलेक्ट करने के लिए चिप सिलेक्ट सिग्नल को यूज किया जाता है. सो एक एक्स्ट्रा एड्रेस लाइन चाहिए क्योंकि बेसिकली हमने जो टोटल एड्रेसेबल स्पेस है वो डबल कर दी है. सो जो एक एक्स्ट्रा एड्रेस लाइन होगी वो अगर डायरेक्टली हम पहले चिप सेलेक्ट सिग्नल के साथ कनेक्ट कर दें, अज्यूमिंग के चिप सेलेक्ट सिग्नल जो है वो एक्टिव लो है, तो जब भी वो एक्स्ट्रा एड्रेस लाइन पे 0 होगा पहला वाला चिप सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर जब 1 होगा तो दूसरा वाला चिप सेलेक्ट होगा क्योंकि उसके चिप सेलेक्ट सिग्नल के साथ हमने थ्रू ए नॉट गेट कनेक्ट किया. सो इस तरह बेसिकली यूजिंग टू मेमोरीज उनको हमने कनेक्ट इस तरह किया, हमारी लोकेशन डबल हो गई. तीसरा हमारे पास इशू ये था कि अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमने डाटा यूनिट साइज जो है वो बढ़ाना है और नंबर ऑफ लोकेशंस वो भी बढ़ानी है, तो बेसिकली हमने कहा था कि 4 बेसिकली जो टोटल एड्रेस स्पेस है या मेमोरी कैपेसिटी है वो क्वाड्रुपल कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं, तो 4 चिप्स हमें चाहिए होंगे और उनको आपस में कनेक्ट करना है. हमने ये डिसाइड किया था कि सारों की एड्रेस लाइन्स आपस में कनेक्ट कर देंगे, डाटा लाइन्स जो हैं जो दो ऊपर वाले हैं जिनकी मदद से हम जो है डाटा यूनिट साइज बढ़ा रहे हैं उनकी तो डाटा लाइन सेपरेट होंगी, पर जो नीचे वाले नेक्स्ट 2 चिप्स हैं जिनकी वजह से लोकेशंस बढ़ रही हैं उनकी आपस में डाटा लाइन्स जोड़ देंगे. चिप सेलेक्ट सिग्नल से जो पहले 2 चिप्स हैं जो डाटा साइज को बढ़ा रहे हैं उनको हम इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट 2 जो चिप्स हैं उनको हम इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे. बेसिकली जो एक्स्ट्रा एड्रेस लाइन होगी वो चिप सेलेक्ट पहले वालों के साथ कनेक्ट होगी और दूसरे वालों के चिप सेलेक्ट के साथ भी कनेक्ट होगी यूजिंग ए नॉट गेट. रीड राइट लाइन जैसे हमने बताया था, देखा भी था कि सारों को इकट्ठी कनेक्टेड है. हमने एड्रेस डिकोडिंग की बात की थी, बेसिकली हम ये कह रहे थे कि डिफरेंट जो चिप्स हैं उनका कोई बेस एड्रेस होना चाहिए. जैसा कि हमने इन डिफरेंट चिप्स की मेमोरी चिप्स की जो इम्प्लीमेंटेशन में देखा था,
जो भी लोकेशन है उसको हम एज्यूम कर रहे हैं पहली वाली लोकेशन उसका एड्रेस जीरो है और आखिरी वाली जो लोकेशन है किसी भी मेमोरी चिप में उसको हम एड्रेस एन कहते हैं। जब दो आइडेंटिकल चिप्स वो आपस में हमने इस तरह कनेक्ट किए ताकि लोकेशंस डबल हो जाएं, सो दैट मींस जो दूसरा चिप है उसका कुछ स्टार्ट एड्रेस जो है या बेस एड्रेस जो है वो डिफरेंट होगा, जीरो नहीं होगा। सो बेसिकली बेस एड्रेस कैसे डिटरमिन होगा वो हमने देखा था कि एड्रेस डिकोडर्स की मदद से। एड्रेस डिकोडर्स हम डिस्क्रीट लॉजिक की मदद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं या एम टू एन डिकोडर्स से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस लाइंस हैं वो इन डिकोडर्स के इनपुट पे कनेक्टेड हैं, आउटपुट पे एक ही लाइन एक्टिव होगी। सो अगर 2 to 4 डिकोडर है लेट्स सपोज, तो उसके दो जो इनपुट्स हैं उनमें दो एड्रेस लाइंस होंगी, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दोस टू एड्रेस लाइंस एक आउटपुट सेलेक्ट होगा। वो आउटपुट जो है एक चिप सेलेक्ट पेन के साथ कनेक्ट कर दें एक मेमोरी के, इसी तरह दूसरा जो आउटपुट है वो दूसरे मेमोरी के चिप सेलेक्ट के साथ कनेक्ट कर दें। सो एट एनी गिवन इंस्टेंट जो भी एड्रेस इनपुट पे वैल्यू होगी एक चिप सेलेक्ट आउटपुट सेलेक्ट होगा, जिसकी मदद से हम एक ही चिप को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली जिस एड्रेस पे पर्टिकुलर चिप सेलेक्ट हो रहा है वो हम कहेंगे इसका बेस एड्रेस है। नेक्स्ट हमने बात की थी FPGA डिवाइसेस पे। हमने शुरू में पढ़ा था PLD डिवाइसेस, सो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस हैं, प्रोग्राम करके हम कॉम्बिनेशन सर्किट बना सकते हैं या सीक्वेंशियल सर्किट बना सकते हैं। बेसिकली उसमें एंड और अरे होते थे जिनको हम प्रोग्राम करते थे टू फॉर्म ए फंक्शन, और आउटपुट में हमारे पास आउटपुट लॉजिक यूनिट्स होते थे जिनकी मदद से हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट रिप्रेजेंट कर सकते थे या सीक्वेंशियल सर्किट के तौर पर हम फीडबैक भी कर सकते थे ऑल दैट। FPGA में बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है। बेसिकली तीन मेन पार्ट्स की हमने बात की थी, लॉजिक यूनिट्स जो एक टू डायमेंशनल एरे की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हैं, रो एंड कॉलम इंटरकनेक्ट्स, बेसिकली ये पाथ्स हैं इनपुट आउटपुट पाथ्स हैं जो जिनकी मदद से हम डिफरेंट लॉजिक यूनिट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन एक लॉजिक यूनिट से दूसरी लॉजिक यूनिट तक भेजी जा सकती है। इस चिप के आउटपुट पे हमारे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं जिनकी मदद से हम जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उससे इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज कर सकते हैं। इसमें हर लॉजिक यूनिट में मल्टीपल लॉजिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम प्रोग्राम करते हैं। बेसिकली वही बात है कि हमने अगर सीक्वेंशियल सर्किट बनाना है तो ये लॉजिकल एलिमेंट्स को हम प्रोग्राम करेंगे, अगर हमने कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना है इन्हीं लॉजिकल एलिमेंट्स को प्रोग्राम करेंगे। जैसे हमने बताया था एक लॉजिक यूनिट में मल्टीपल लॉजिक एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें। आज हम डिस्कशन इधर से ही शुरू करते हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो लॉजिकल एलिमेंट्स हैं इनकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसी है, किस किस्म के सर्किट्स हैं और कैसे हम एज ए सीक्वेंशियल सर्किट प्रोग्राम कर सकते हैं और एज ए कॉम्बिनेशन सर्किट प्रोग्राम कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम और इंटरनल सर्किट। स्लाइड में लॉजिक एलिमेंट का एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे एक लुकअप टेबल है जिसके चार इनपुट्स हैं और ये चार इनपुट्स में डिफरेंट इंटरकनेक्ट से आ रहे हैं, दैट मीन्स डिफरेंट लॉजिक एलिमेंट से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। आउटपुट एक दिखाया गया जो कि कैस्केड लॉजिक के साथ कनेक्टेड है, इसी तरह एक कैरी इन पिन दिखाया गया और एक कैरी आउट पिन दिखाई गई है। सो लुकअप टेबल जो है इसको हम प्रोग्राम करते हैं फॉर एनी फंक्शन, सो लुकअप टेबल को हम प्रोग्राम कर सकते हैं एज ए फुल एडर। सो अगर फुल एडर के तौर पर हमने प्रोग्राम किया है तो इसके लिए कैरी इनपुट जरूरी है और कैरी आउटपुट जरूरी है जो कि हम यूज कर सकते हैं मजीद इस किस्म के फुल एडर्स को आपस में कैस्केड करने के लिए। कैस्केड लॉजिक जो है बेसिकली ये हमें अलाउ कर रहा है डिफरेंट जो लॉजिक एलिमेंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। सो लेट्स सपोज एक नेबरिंग लॉजिक एलिमेंट है जिसका आउटपुट जो है इस लॉजिक एलिमेंट के साथ कैस्केड करना है। सो ये जो कैस्केड लॉजिक है इसकी मदद से हम किसी और लॉजिक एलिमेंट से इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, इसी तरह ये जो इन्फॉर्मेशन है किसी दूसरे लॉजिक एलिमेंट को भेज भी सकते हैं। इसके बाद एक प्रोग्रामेबल सिलेक्ट ब्लॉक दिखाया गया है, इनफैक्ट दो प्रोग्रामेबल सिलेक्ट ब्लॉक्स दिखाए गए हैं। बेसिकली ये प्रोग्रामेबल सेलेक्ट जो ब्लॉक है ये हमें अलाउ कर रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट सोर्सेज से लें, तो एक तो कैस्केड लॉजिक से इन्फॉर्मेशन आ रही है और एक दूसरी इनपुट पिन से आ रही है। पहला जो प्रोग्रामेबल सेलेक्ट लॉजिक है उसके आउटपुट पे एक हमने फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट किया हुआ है, सो फ्लिप फ्लॉप का इनपुट जो है इस प्रोग्रामेबल सेलेक्ट से आ रहा है। फ्लिप फ्लॉप की एक क्लॉक है, एक एसिंक्रोनस प्रीसेट है और एक एसिंक्रोनस क्लियर इनपुट है जो कि क्लॉक क्लियर प्रीसेट सेलेक्ट लॉजिक से कंट्रोल हो रहा है। फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे अगेन एक प्रोग्रामेबल सेलेक्ट है, सो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इसमें कनेक्टेड है और एक दूसरा जो है कैस्केड लॉजिक के आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। सो बेसिकली हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि हमें फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चाहिए या कॉम्बिनेशनल जो है वो आउटपुट चाहिए। अभी हमने लॉजिकल एलिमेंट का सर्किट डायग्राम देखा जो कि अगर आपको आप कंपेयर करें जो हमने PLA डिवाइसेज या PAL डिवाइसेज या PLD डिवाइसेज जो पढ़ी थी उनके स्ट्रक्चर से कुछ मिलता जुलता है। बेसिकली इधर हम एक लुकअप टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रोग्राम ए फंक्शन। पहले केस में बेसिकली हमारे पास एंड और गेट अरेज थी जिनको हम प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें भी हमने एक डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया था, इसमें भी एक फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं जिसकी मदद से हमें सीक्वेंशियल आउटपुट मिल सकता है। उसमें भी तकरीबन एक प्रोग्रामेबल लॉजिक थी जिसकी मदद से हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में उसको सेट कर सकते थे। इधर भी हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिक है जिसकी मदद से हम या तो सीक्वेंशियल आउटपुट रिसीव कर सकते हैं या कॉम्बिनेशनल आउटपुट रिसीव कर सकते हैं इसमें। अब हमें बात करनी है कि जो लुकअप टेबल है उसको हम कैसे यूज करते हैं टू प्रोग्राम ए फंक्शन। बेसिकली लुकअप टेबल जो है जैसे हमने बात की थी जब हम रॉम डिस्कस कर रहे थे कि रॉम मेमोरी को हम यूज कर सकते हैं टू प्रोग्राम ए फंक्शन। कैसे होगा, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप एज्यूम करें कि आपके पास 8 लोकेशन रॉम है या रैम भी हो सकती है।
سو ہر لوکیشن میں ایک بٹ اسٹور ہے. سو لیٹ اس سپوز کہ آپ نے فنکشن امپلیمنٹ کرنا ہے جس میں تین مین ٹرمز ہیں, اے بار بی بار سی بار, اے بار بی بار سی اور اے بی سی. یہ تین مین ٹرمز ہیں تو فنکشن کے آؤٹ پٹ میں بیسکلی ون ہونا چاہیے اگر ان میں سے کوئی بھی تین مین ٹرمز پریزنٹ ہو. سو بیسکلی اگر ایک آپ روم لیں وہی ایٹ لوکیشن والی جس میں ہر لوکیشن میں ایک بٹ اسٹور ہے, سو فار ایڈریس 000 یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے پہلے والی مین ٹرم اے بار بی بار سی بار. اس کے جو لوکیشن ہے اس پہ اگر آپ ون اسٹور کر دیں, سو دیٹ مینس جب بھی یہ آپ ایڈریس سلیکٹ کریں گے ڈیٹا آؤٹ پٹ پہ ون آئے گا. سو دیٹ مینس اس فنکشن اس مین ٹرم کے پریزنس پہ آپ کا فنکشن جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون ہو رہا ہے. اسی طرح جو سیکنڈ لوکیشن ہے جہاں بیسکلی جو ایڈریس ہے 001 اے بی 0 ہے اور سی جو ہے 1 ہے, دیٹ مینس یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے مین ٹرم اے بار بی بار سی. سو اگین اس ایڈریس لوکیشن پہ اگر آپ ون پروگرام کر دیں سو جب بھی یہ ایڈریس سلیکٹ ہوگا آؤٹ پٹ پہ آپ کے پاس اگین ون آئے گا. باقی جو لوکیشنز ہیں ان پہ زیرو پروگرام کر دیں ایکسیپٹ فار دی لاسٹ لوکیشن اے بی سی. سو اس ایڈریس پہ 111 ایڈریس پہ آپ نے اگین ون پروگرام کر دیا, تو جب بھی آپ یہ ایڈریس سلیکٹ کریں گے آؤٹ پٹ پہ آپ کے ون آ جائے گا. سو بیسکلی آپ نے روم کو پروگرام کر دیا ٹو ریپرزینٹ اے فنکشن. اگر آپ کو زیادہ مین ٹرمز ہیں آپ کے پاس, لیٹس سے مور دین 8 فور ویریبل فنکشن ہے, تو آف کورس آپ ایک بڑی روم یا ریم یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فنکشن ہے جس کے ملٹیپل آؤٹ پٹس ہیں, جیسے کہ ہم نے کمپریٹر سرکٹ بنایا تھا اکول ٹو اے از اکول ٹو بی, اے از گریٹر دین بی, اے از لیس دین بی, تین ڈفرنٹ آؤٹ پٹس تھے. تو اگین اف یو ہیو اے روم جس کے تین آؤٹ پٹس ہیں دیٹ مینس ڈیٹا بٹس جو ہیں چار ڈیٹا بٹس یوز کر رہا ہے, سو ان میں سے تین آپ یوز کر سکتے ہیں, ایک کو آپ پروگرام نہ کریں. سو بیسکلی آپ کو تین ڈفرنٹ فنکشنز مل سکتے ہیں. سو یہ دیکھتے ہیں ایگزامپل, پہلے ایک سمپل فنکشن کی کیسے پروگرام کر رہے ہیں اور اسی طرح ایک دوسرے ایگزامپل دیکھیں گے روم کو یوز کریں گے ایک فل ایڈر امپلیمنٹ کرنے کے لیے. فل ایڈر امپلیمنٹ کرنے کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کتنے انپٹس ہیں, بیسکلی اے بی سی این تین انپٹس ہیں, تو انپٹس آ رہے ہیں اور ساتھ میں کیری ان ایڈ ہوتا ہے, اور فل ایڈر کا جو آؤٹ پٹ ہے ایک سی آؤٹ ہوتا ہے, کیری آؤٹ اور ایک سم آؤٹ پٹ ہے. سو جو روم یا ریم ہم یوز کریں گے بیسکلی تین بٹ ایڈریس ہونا چاہیے, ایٹ لوکیشن کی ہونی چاہیے, ہر لوکیشن میں دو بٹس اسٹور ہوں گے. سو ایک جو بٹ ہے وہ ریپرزینٹ کرے گی سم آؤٹ پٹ کو اور دوسرے جو بٹ ہے وہ ریپرزینٹ کرے گی کیری آؤٹ پٹ کو. آئیے دیکھتے ہیں دونوں فنکشنز. پہلا جو فنکشن ہے وہ ریپرزینٹ ہو رہا ہے بولین ایکسپریشن سے اے بار بی سی بار پلس اے بی بار سی پلس اے بی سی. اوپر جو ٹیبل دکھایا گیا بیسکلی وہ روم کے کانٹینٹس دکھا رہا ہے. سو فار ایڈریس اے بی سی ایکولس ٹو 000 جو پہلا ایڈریس ہے, فنکشن آؤٹ پٹ جو ہے یا ڈیٹا جو ادھر اسٹور کیا ہے وہ 0 ہے. اسی طرح ایڈریس 001 کے لیے جو انفارمیشن اسٹور کی ہے اس لوکیشن پہ وہ 0 ہے. ایڈریس 010 کے لیے انفارمیشن جو اسٹور کی ہے وہ 1 ہے. یہ ایڈریس 010 جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے مین ٹرم اے بار بی سی بار. اسی طرح ایڈریس 101 جو ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے مین ٹرمز اے بی بار سی کو, ادھر ڈیٹا جو ہم نے اسٹور کیا وہ 1 ہے. اسی طرح آخری جو مین ٹرم ہے اے بی سی جو کہ ایڈریس اے بی سی 111 ریپرزینٹ کر رہا ہے, ادھر بھی ہم نے انفارمیشن 1 اسٹور کی ہوئی ہے. سو تینوں میں سے کوئی بھی ایڈریس جب اپلائی کریں گے روم کے ان پٹ پہ آؤٹ پٹ میں اپروپریٹ ڈیٹا ویلیو آ جائے گی. سو فار ایڈریسز 010 101 اینڈ 111 آؤٹ پٹ جو ہوگا وہ 1 ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ فنکشن کو جو کہ ایک فل ایڈر کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. فل ایڈر کے دو جو آؤٹ پٹس ہیں سم آؤٹ پٹ اینڈ کیری آؤٹ پٹ, ان کی جو بولین ایکسپریشنز ہیں وہ ہیں اے بار بی بار سی پلس اے بار بی سی بار پلس اے بی بار سی بار پلس اے بی سی. یہ ہے سم آؤٹ پٹ کی بولین ایکسپریشن. اسی طرح کیری آؤٹ کی جو بولین ایکسپریشن ہے وہ ہے اے بار بی سی پلس اے بی بار سی پلس اے بی سی بار پلس اے بی سی. ان کو آف کورس سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے. ٹیبل میں اگین ایک ریم یا روم میموری دکھائی گئی ہے جن کی تین ایڈریس لائنس ہیں جو کہ ریپرزینٹ ہو رہی ہیں اے بی اینڈ سی ان سے. سو دیئر فور ایٹ لوکیشنز ہیں, ہر لوکیشن پہ دو بٹ اسٹور کر رہے ہیں ہم. سو ایک ریپرزینٹ کر رہی ہے سم بٹ اور دوسری جو بٹ ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے کیری آؤٹ. سو اگر ایڈریس 000 ہو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے مین ٹرم اے بار بی بار سی بار, اس کے لیے سم بھی 0 ہے اور سی آؤٹ بھی 0 ہے. نیچے اگر بولین ایکسپریشن کو دیکھیں ان میں دونوں ایکسپریشنز میں اے بار بی بار سی ان بار کی ٹرم نہیں ہے. اسی طرح نیکسٹ ایڈریس پہ اگر دیکھیں 001 یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے مین ٹرم اے بار بی بار سی این. یہ والی جو ٹرم ہے بیسکلی سم بولین ایکسپریشن میں موجود ہے. سو سم آؤٹ پٹ میں جو سم بٹ ہے اس کو ہم نے 1 سیٹ کر دیا ہوا ہے, کیری آؤٹ جو بٹ ہے اس کو ہم نے 0 رکھا ہوا. اسی طرح اگر آپ ایکسپریشن کو دیکھیں ہم نے ایڈریس 010 کے لیے بھی سم آؤٹ پٹ کو 1 سیٹ کیا ہوا ہے, اسی طرح ایڈریس 100 کے لیے سم آؤٹ پٹ 1 رکھا ہوا ہے, اور آخر میں ایڈریس 111 لوکیشن پہ جو سم بٹ ہے اس کو 1 سیٹ کیا ہوا ہے. کیری آؤٹ کو اگر اس طرح دیکھیں پہلی جو مین ٹرم ہے اے بار بی سی این بار, اس کے لیے کیری آؤٹ کو 1 رکھا ہوا ہے. نیکسٹ جو 3 مین ٹرمز ہیں 101 دیٹ از اے بی بار سی, اسی طرح اے بی سی بار اور اے بی سی, ان تینوں کے لیے ہم نے کیری آؤٹ کو 1 رکھا ہوا ہے. سو دیٹ مینس ان میں سے کوئی بھی ایڈریس اپلائی کریں گے اپروپریٹ سم آؤٹ پٹ یا 1 ہوگا یا 0 ہوگا, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے پروگرام کیا ہوا ہے. اسی طرح کیری آؤٹ جو ہے وہ بھی 1 یا 0 ہوگا, ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے کیا پروگرام کیا ہوا ہے. ابھی ہم نے لک اپ ٹیبل کا ڈائگرام دیکھا اور ہم نے دیکھا کیسے اس کو پروگرام کر سکتے ہیں کسی بھی فنکشن کے لیے. جو لک اپ ٹیبل ہے بیسکلی اس کے 4 انپٹس ہیں, دیٹ مینس 4 ویریبل فنکشن ہم پروگرام کر سکتے ہیں.
अगर ज़्यादा वेरिएबल के फंक्शन प्रोग्राम करने हैं तो बेसिकली हम डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में कैस्केड कर सकते हैं इसमें। एक जो आखिरी बात रहेगी FPGAs में वो है जो इंटरकनेक्ट्स हैं, डिफरेंट लॉजिकल यूनिट्स को आपस में कैसे कनेक्ट करना है। हमने जैसे डायग्राम में देखा था, ब्लॉक डायग्राम में देखा था, रोज हैं और कॉलम्स हैं जो आपस में डिफरेंट एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। बेसिकली कनेक्शन कैसे होगा, एक रो को एक कॉलम के साथ कैसे मिलाएंगे, वो बेसिकली ट्रांजिस्टर्स के थ्रू मिलाया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा था रॉम को जब आप प्रोग्राम करते हैं तो एक ट्रांजिस्टर का गेट रो के साथ कनेक्ट कर देते हैं, आउटपुट जो है उसका एक कॉलम के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह हर रो और कॉलम इंटरसेक्ट के साथ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अगर ट्रांजिस्टर को हमने एक्टिवेट कर दिया, दैट मीन्स रो को कॉलम के साथ कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स हमने कनेक्शन बना दिए रो एंड कॉलम के दरमियान। अगर ट्रांजिस्टर को स्विच ऑफ कर देते हैं, इसका मतलब है रो और कॉलम के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। FPGAs को भी हम प्रोग्राम करते हैं PLD डिवाइसेस के द्वारा। बेसिकली एक प्रोग्राम हमें लिखना पड़ेगा और प्रोग्रामर में डाल के FPGA डिवाइस को हम प्रोग्राम करेंगे किसी भी फंक्शन यूनिट के लिए। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। बेसिकली ये कन्वर्टर्स है क्या, जैसे कि नाम से जाहिर है कोई एनालॉग वैल्यू है जिसको हम डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं और कोई डिजिटल वैल्यू है जिसको हम एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली इन कन्वर्टर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, शुरू में याद हो पहला लेक्चर जो था हमने बात की थी कि हम डिजिटल लॉजिक पढ़ रहे हैं, बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस हो रही है वो डिजिटल फॉर्मेट में प्रोसेस होगी, रियल वर्ल्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में जब आप बात करते हैं तो जो साउंड है वो एनालॉग सिग्नल है। इसी तरह जो मोबाइल फोन से आप बात सुन रहे हैं वो भी जो साउंड सिग्नल है वो एनालॉग फॉर्म में है। मोबाइल फोन में जो वॉइस सिग्नल प्रोसेस हो रहा है वो डिजिटल फॉर्मेट में प्रोसेस हो रहा है। सो दैट मींस जब आप बोल रहे हैं आपका एनालॉग सिग्नल जो साउंड सिग्नल है उसको कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्मेट में और फिर प्रोसेसिंग होगी। इस तरह जब आप सुन रहे हैं बेसिकली आप सुन रहे हैं एक एनालॉग फॉर्म के सिग्नल को, प्रोसेसिंग जो हुई है वो डिजिटल फॉर्मेट में हुई है। सो दैट मींस डिजिटल सिग्नल जो है एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है। आपका लेट्स से डिजिटल थर्मामीटर है, थर्मामीटर जो है बेसिकली आपको डिजिटल थर्मामीटर में आपको नंबर्स की सूरत में टेम्परेचर बताया जा रहा है। सो टेम्परेचर जो है वो एक एनालॉग वैल्यू है, वो कन्वर्ट होगी डिजिटल फॉर्मेट में और वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में एक चीज नजर आ रही है। जिस तरह आपके पास वोल्टमीटर्स देखे होंगे जो आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उसमें डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं, जो एनालॉग जो वोल्टेज है वो बेसिकली एक एनालॉग वैल्यू है, वो कन्वर्ट होगी डिजिटल फॉर्मेट में और इस तरह आप डिजिटल रीड आउट देख सकते हैं वोल्ट मीटर का। सो बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं उनमें बेसिकली सिग्नल्स जो हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के जो सिग्नल्स हैं रियल वर्ल्ड के सिग्नल्स हैं वो एनालॉग फॉर्म में है, उनको चेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल फॉर्मेट में। और इसी तरह जब आप एक डिजिटल फॉर्मेट में एक चीज प्रोसेस कर ली है उसको आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसको भी पर्हैप्स आपको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमने देखी थी वेरी फर्स्ट लेक्चर में, हमने एक चीज देखी, एक डायग्राम देखा था जिसमें बेसिकली एक बॉयलर वेसल है जिसमें कोई चीज हीट की जा रही है, तो हमने वो जो हीटिंग है उसको कंट्रोल करना है, खास टेम्परेचर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली एक थर्मामीटर लगा हुआ है जो उसको मेजर कर रहा है टेम्परेचर को, थर्मामीटर की जो आउटपुट है उसको हम डिजिटाइज कर रहे हैं डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक हमारे पास कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है जो इस डिजिटल वैल्यू को देख रहा है, अगर वो एक्सीड हो रहा है दैट मींस उसने जो हीट है उसको कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है। सो बेसिकली वो एक सिग्नल भेजेगा जो एक हीटिंग यूनिट को ताकि हीट रिड्यूस हो जाए। अब वो जो हीटिंग यूनिट है वो बेसिकली एक एनालॉग फॉर्म है। सो बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट जो है जो ही जो वैल्यू है जो कंट्रोल है उसको लो करने के लिए एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग में चेंज कर रहे हैं थ्रू ए डी टू ए कन्वर्टर, और उसका जो आउटपुट है उस कंट्रोल जो हीटिंग यूनिट है उसको कंट्रोल कर रहा है। सो आइए देखते हैं इन एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स को और डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर्स को ये काम कैसे करते हैं, इनकी थ्योरी क्या है। पहले हम बात करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स से। बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। अब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो ओरिजिनल सिग्नल है जो कि एनालॉग फॉर्म में है, जो कि एक टेम्परेचर की वैल्यू हो सकती है या वॉइस सिग्नल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए उस सिग्नल के सैंपल्स लेने पड़ेंगे। सो हर सैंपल को आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए बाइनरी वैल्यू। अब सैंपल्स कितने चाहिए, अगर आप कम सैंपल्स लेते हैं तो उन सैंपल्स को जब डिजिटाइज करते हैं तो वो एक्चुअल सिग्नल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास इतने सैंपल्स ही नहीं जो कि एक्चुअल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसको कहेंगे अंडर सैम्पलिंग, और आपका जो डिजिटाइज सिग्नल होगा जो बाइनरी फॉर्म में होगा वो करेक्ट नहीं होगा, वो ओरिजिनल सिग्नल को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर आप बहुत सारे सैंपल्स ले लेते हैं और उनको डिजिटाइज करते हैं तो वो डिजिटाइज सिग्नल तो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा होगा एनालॉग सिग्नल को, पर इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी प्रोसेसिंग के लिए। सो इसको कह देंगे हम ओवर सैम्पलिंग हो रही है। बेसिकली हमारे पास एक क्राइटेरिया है जिसके तहत हम सैम्पलिंग डिटरमिन कर सकते हैं कि कितने सैंपल्स होने चाहिए किसी भी एक सिग्नल के। बेसिकली नाइक्विस्ट क्राइटेरिया कहते हैं, नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है जिसके तहत हम इस इनपुट सिग्नल को, एनालॉग इनपुट सिग्नल को सैम्पल कर रहे हैं। वो फ्रीक्वेंसी क्या है, बेसिकली इट शुड बी ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। सो लेट अस सपोज कि इनपुट जो सिग्नल है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। सो सैम्पलिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज होनी चाहिए। सो ये है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। सो आइए देखते हैं डिफरेंट डायग्राम्स एनालॉग सिग्नल के और देखते हैं कि सैंपल्स
अगर हम अंडर सैम्पलिंग करें उससे क्या नुकसान होगा और प्रॉपर सैम्पलिंग कितनी होनी चाहिए। डायग्राम में एक एनालॉग सिग्नल दिखाया गया जो कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम दिखाया गया है, वर्टिकल लाइन पे टेम्परेचर को प्लॉट किया गया। सो टेम्परेचर की वैल्यूज जो है 5, 10, 15, 20 से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हैं। जो एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंट किया हुआ है वो कंटीन्यूअस शेप में, उसमें कुछ ब्रेक्स नहीं है। आइए देखते हैं कि इसके सैंपल्स कितने हम लेंगे और उसकी वजह से आउटपुट पे क्या असर होगा, बेसिकली जो डिजिटाइज आउटपुट है वो कैसी होगी। डायग्राम में वही एनालॉग सिग्नल दिखाया गया जिसके हम 15 डिफरेंट सैंपल्स ले रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स पे। सो पहला जो सैंपल है वो टाइम इंटरवल 1 पे लिया है, दूसरा सेकंड पे, इसी तरह तीसरा जो सैंपल है थर्ड पे, फोर्थ पे और इसी तरह 15 पे हम आखिरी सैंपल ले रहे हैं। अब इन सैंपल्स को अगर प्लॉट किया जाए तो हम देखते हैं कि हमारा जो डिजिटाइज आउटपुट है वो मिलता जुलता है इस एनालॉग इनपुट सिग्नल से। आइए देखते हैं डिजिटाइज आउटपुट। डायग्राम में एक आउटपुट सिग्नल दिखाया गया जो कि हम सैंपल्स जो हमने कलेक्ट किए थे उनकी मदद से हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो 15 सैंपल्स थे, उन सारे सैंपल वैल्यूज को आपस में जोड़ दें थ्रू लाइंस, तो हमारे पास ये आउटपुट में इस किस्म का एक सिग्नल आ रहा है जो कि इनपुट सिग्नल को क्लोजली रिजेंबल कर रहा है, एग्जैक्ट नहीं है पर क्लोजली रिजेंबल कर रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर सैंपल्स कम कर दें, 15 की जगह कम हो जाए, 7 हो जाए, तो उससे आउटपुट पे क्या फर्क आएगा। डायग्राम में एक रिकंस्ट्रक्टेड आउटपुट सिग्नल दिखाया गया जो कि 7 सैंपल्स की मदद से बनाया गया। सो ओरिजिनल जो 15 सैंपल्स लिए थे उनमें अगर हम सिर्फ ऑड वाले सैंपल लें और इवन वाले सैंपल नहीं लें, उनकी मदद से जब हम आउटपुट रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा। जैसा कि आपको नजर आ रहा है इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। पहले वाले सिग्नल में इनपुट जो सिग्नल था एक पीक आती है शुरू में जो कि इधर मिसिंग है, सेकंड पीक जो है वो इधर डिस्प्ले हुई है। सो इन्फॉर्मेशन बेसिकली लूज हो गई है। अभी हमने देखा कि अगर कोई सिग्नल जो है अंडर सैम्पल्ड हो तो उसके आउटपुट जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन लूज होगी। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्ट करें। सो वो हमने डिटरमिन किया कि जो नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके तहत हमने एक एनालॉग सिग्नल को सैंपल करना है। नेक्स्ट जो है बेसिकली कन्वर्ट करने से पहले वो जो सैंपल्ड सिग्नल है उसको हमने स्टेबल रखना है फॉर अ सर्टेन टाइम। जो भी सर्किट होगा जो सैंपल को डिजिटाइज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, वो ऑफकोर्स कुछ टाइम लेगा। अगर उस दौरान वो सैंपल जो है, जो इनपुट सिग्नल है वो चेंज हो रहा है, दैट मींस आउटपुट में फर्क आएगा। सो बेसिकली हम ए टू डी कन्वर्टर जो है उससे पहले एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट लगाते हैं जिसका काम यह है कि सैंपलिंग करें इनपुट सिग्नल को अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी पे और उस सैंपल को एक मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होल्ड रखे जब तक वो कन्वर्ट नहीं होता इनटू इट्स डिजिटल फॉर्म। सो आइए देखते हैं एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट को जिसकी मदद से हम सैंपलिंग कर रहे हैं और उस सिग्नल को स्टेबल रखते हैं ताकि वो डिजिटाइज हो जाए। डायग्राम में एक सैंपल एंड होल्ड सिग्नल का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया। सैंपल जो सिग्नल है उसके दो इनपुट्स हैं, एक जो इनपुट है लेफ्ट हैंड साइड पे उधर हम इनपुट सिग्नल एनालॉग सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं जिसको हमने सैंपल करना है। नीचे हमने एक और सिग्नल दिखाया गया जिसके तहत हम उसकी सैंपलिंग कर रहे हैं। सो ये जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होनी चाहिए इनपुट सिग्नल से। सैंपल सर्किट का जो आउटपुट है वो हमने स्टेबल रखना है फॉर ए मिनिमम टाइम ताकि जो ए टू डी कन्वर्टर है इस सिग्नल को कन्वर्ट कर सके। सो जो होल्ड सिग्नल है इट्स लाइक ए स्विच, जो भी हमारे पास सैंपल है उसको ये बेसिकली लैच कर लेगा। सो वो आउटपुट स्टेबल रहेगा जब तक ए टू डी कन्वर्टर इसको चेंज ना कर ले। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंटीन्यूअस एनालॉग वेवफॉर्म दिखाई गई है, राइट हैंड साइड पे जो सैंपल एंड होल्ड सिग्नल है वो दिखाया गया है। सो जो भी सैंपल लिया उसको हम स्टेबल रख रहे हैं फॉर सर्टेन टाइम, दैट मींस उसका जो आउटपुट है वो फ्लैट सूरत में, एक स्टेप्स की सूरत में दिखाया गया है। होल्ड सर्किट जैसे कि हमने देखा बेसिकली एक लैच है जो कि सैंपल आउटपुट को लैच कर देता है, उसको स्टेबल रखता है फॉर द ए टू डी कन्वर्टर टू कन्वर्ट। अब आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटाइजेशन पे। क्वांटाइजेशन जो है बेसिकली इट्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सैंपल एंड होल्ड सिग्नल टू द डिजिटल फॉर्मेट। बेसिकली डिपेंड करता है कि आउटपुट में कितनी हमारे पास बिट्स हैं। ज्यादा बिट्स होंगी, क्वांटाइजेशन लेवल ज्यादा होगी तो हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होगी ऑफ द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल। अगर आउटपुट में बिट्स हमारे पास कम हैं, क्वांटाइजेशन लेवल्स कम होंगी, आउटपुट में जो डिजिटाइज सिग्नल है वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब एक एग्जाम्पल को समझें। लेट अस सपोज कि हम 220 वोल्ट जो सिग्नल है एसी जो है हमारे घर में बिजली जो आ रही है उसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, उसको डिजिटल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जो हमारा ए टू डी कन्वर्टर है उसके आउटपुट पे दो बिट्स हैं। सो बेसिकली चार ही नंबर आ सकते हैं, या तो 00 आ सकता है, 01 आ सकता है, 10 या 11। हम ये कहते हैं कि जो 11 है वो मैक्सिमम सिग्नल इनपुट सिग्नल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैक्सिमम सिग्नल इनपुट जो है 220 वोल्ट है। सो 11 जब भी आउटपुट पे आएगा ए टू डी कन्वर्टर के वो हम कहेंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 220 वोल्ट इनपुट को। इसी तरह जब 00 होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 0 वोल्ट सिग्नल को। दो आउटपुट जो है 01 एंड 10 वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो वोल्टेज लेवल्स 75 एंड 150। सो बेसिकली हमारे पास चार ही आउटपुट्स हैं, एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू 75 वो रिप्रेजेंट होगी 01 से। सो 60 वोल्ट हो तब भी 01 आएगा, 70 हो तब भी 01 आएगा, 50 हो तब भी 01 आएगा। इसी तरह अगर 11 आ रहा है तो वो बेसिकली इनपुट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 150 से लेके 220 के दरमियान। सो 160 होगा तब भी 11 आएगा, 170 हो तब भी 11 आएगा, 185 हो तब भी 11 आएगा। सो बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो जो एक्चुअल इनपुट सिग्नल है जो
0 से 220 वोल्ट तक जा रहा है वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। सो इसको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, जो ए टू डी कन्वर्टर का आउटपुट है उधर आप ज्यादा बिट्स का इस्तेमाल करें। लेट अस सपोज के 4 से 8 बिट्स हो गई हैं, सो बेसिकली वो एक्यूरेसी आप बढ़ा रहे हैं। सो दैट मींस बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिट्स क्वांटाइजेशन लेवल्स बढ़ा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होती जा रही है। आइए देखते हैं ये डायग्राम और इसको एक्सप्लेन करते हैं इन क्वांटाइजेशन लेवल्स को, उनकी मदद से हमारे आउटपुट जो है वो कैसे ज्यादा एक्यूरेट और कैसे इंप्रूव हो रहा है। डायग्राम में एक एनालॉग सिग्नल दिखाया गया और हमारे पास 4 क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं, दैट मींस आउटपुट पे 2 बिट्स हैं। सो इस इनपुट एनालॉग सिग्नल को अगर हम आउटपुट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन डिजिटल फॉर्मेट तो 4 स्टेप्स में होगा। नीचे टेबल में अगर आप देखें सैम्पलिंग इंटरवल्स 1 से लेकर 13 तक जो क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं वो 1, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3 और फिर 4, 4, 4, 4 एंड 3। आउटपुट जो कोड आ रहा है वो पहली क्वांटाइजेशन लेवल जो 1 है वो रिप्रेजेंट होगा 0, 0 से, सेकंड जो क्वांटाइजेशन लेवल है 2 है वो रिप्रेजेंट होगा 0, 1 से, इसी तरह जो तीसरी क्वांटाइजेशन लेवल है वो 1, 0 से रिप्रेजेंट हो रही है। सो बेसिकली ये जो इनपुट सिग्नल है उसका आउटपुट जो है 2 बिट फॉर्मेट में आ रहा है। अब इसको देखते हैं कि ये कितना करीब है इनिशियल सिग्नल के, इनिशियल जो एनालॉग वैल्यू है। नेक्स्ट डायग्राम में जो आउटपुट पे हमें डिजिटाइज सिग्नल मिल रहा है उसको प्लॉट किया गया और जो ओरिजिनल सिग्नल था एनालॉग जो है वो भी साथ में दिखाया गया। जैसा कि आपको नजर आ रहा है काफी फर्क है ड्यू टू द स्मॉल नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स। अगर हम क्वांटाइजेशन लेवल्स को बढ़ा दें तो जैसे हमने पहले बताया आउटपुट जो सिग्नल है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा और वो जो इनिशियल इनपुट एनालॉग सिग्नल है उसको रिजेंबल करेगा। तो आइए देखते हैं क्वांटाइजेशन लेवल्स को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ा है। इस डायग्राम में इनपुट सिग्नल जो एनालॉग सिग्नल है वो वही है, हमने क्वांटाइजेशन लेवल्स जो हैं वो 4 से बढ़ा के 16 कर दिए हैं। दैट मींस आउटपुट में हमारे पास 4 बिट्स हैं तो वो 16 डिफरेंट लेवल्स या वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नीचे टेबल में हमने सैम्पलिंग इंटरवल्स जो हैं 1 से लेकर 13 तक क्वांटाइजेशन लेवल्स लिखी हुई हैं, सो 2, 6, 9, 9, 6, 5, 7, 11, 15, 16, 16, 15 एंड 11। इन डिफरेंट क्वांटाइजेशन लेवल्स को आउटपुट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 बिट कोड से। सो जो पहली क्वांटाइजेशन लेवल है 2 वो रिप्रेजेंट हो रही है 0001 से, नेक्स्ट जो 6 है वो 0101 से हो रही है एंड सो ऑन। आइए देखते हैं इस आउटपुट जो कोड है, ये जो 4 बिट आउटपुट कोड है इसकी मदद से अगर हम आउटपुट में सिग्नल दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें तो वो कितना क्लोजली रिजेंबल कर रहा है ओरिजिनल इनपुट एनालॉग सिग्नल से। आउटपुट में ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल दिखाया गया है और आउटपुट सिग्नल दिखाया गया जो कि 16 क्वांटाइजेशन लेवल की मदद से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। जैसा कि इधर नजर आ रहा है जो आउटपुट सिग्नल है वो काफी मिलता जुलता है ओरिजिनल इनपुट सिग्नल से। सो बाय इंक्रीजिंग द क्वांटाइजेशन लेवल्स जो एक्यूरेसी है वो इंप्रूव हो रही है। अभी हमने देखा कि क्वांटाइजेशन लेवल को बढ़ाने से आउटपुट सिग्नल पे क्या फर्क पड़ा है। बेसिकली जो ही आप बिट्स नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाएंगे ए टू डी कन्वर्टर के आउटपुट पे क्वांटाइजेशन लेवल्स आपने बेसिकली बढ़ा दिए और जो आउटपुट सिग्नल है वो क्लोजली रिजेंबल करेगा इनपुट एनालॉग सिग्नल से। नेक्स्ट चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो बेसिकली है ऑप एम्प्स। हर ए टू डी कन्वर्टर में एक ऑप एम्प लगा होता है। ऑप एम्प बेसिकली क्या है, एक एम्पलीफायर है जिसके इनपुट पे हम सिग्नल अप्लाई करते हैं आउटपुट पे एम्पलीफाइड आउटपुट होगा। ऑप एम्प जो है एक बड़ी वर्सटाइल किस्म की चीज़ है, उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इनटू ए कॉम्परेटर, एज एन एडर बना सकते हैं, एज एन इंटीग्रेटर बना सकते हैं। सो ऑप एम्प इन डिफरेंट हम ए टू डी कन्वर्टर्स देखेंगे उनमें इस्तेमाल हो रहा है। ऑप एम्प के 2 इनपुट्स होते हैं, एक को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और दूसरे को कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट और एक आउटपुट होता है। सो अगर कॉम्परेटर के तौर पर इस ऑप एम्प को हमें कनेक्ट करना है तो डिपेंड करता है कि जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल क्या है, आउटपुट जो इन्वर्टिंग इनपुट है उस पर क्या सिग्नल है। सो अगर इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे तो आउटपुट जो है वो 0 होगा। अगर नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल की इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा है इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल से तो आउटपुट 1 होगा। इसी तरह हम कुछ इनपुट पे रजिस्टर नेटवर्क लगा के उसको एज ए एडर हम बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एम्पलीफायर के तौर पे बेसिकली हम एक फीडबैक रेजिस्टर लगाएंगे और उसके हम आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगी इनपुट वैल्यू पे जो हमने सिग्नल अप्लाई किया और जो जो रेजिस्टर्स हमने जोड़े उस पर डिपेंड करेगी। सो आइए देखते हैं इस ऑप एम्प सर्किट को और ये जो 2 बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं एज एन एम्पलीफायर और जो है एज ए कॉम्परेटर, ये कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअल ए टू डी कन्वर्टर्स और ए टू डी कन्वर्टर्स कैसे इन ऑप एम्प्स को यूज करके इन्फॉर्मेशन को एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डायग्राम में एक ऑप एम्प का सिंबल दिखाया गया है, ट्रायंगुलर शेप है, इसके 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। एक इनपुट जो है उसको इन्वर्टिंग इनपुट कह रहे हैं जहां माइनस साइन लगा हुआ है और दूसरा जो इनपुट है उसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहेंगे जहां प्लस साइन है। सेकंड डायग्राम में ऑप एम्प को यूज किया हुआ है एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है एक आरएफ फीडबैक रेजिस्टर लगाया हुआ है जो कि आउटपुट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल जो है इसका इन्वर्टिंग इनपुट के साथ कनेक्टेड है। इन्वर्टिंग इनपुट के साथ एक सीरीज में हमने एक आरआई इनपुट रेजिस्टर लगाया हुआ है जिसके एक टर्मिनल पे हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। बेसिकली ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, दैट मींस आउटपुट जो है वो नेगेटिव आएगी और जो आउटपुट है वो डिफाइन हो रही है एक्सप्रेशन से वी आउट डिवाइड बाय वी इन इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाय आर एन। सो बेसिकली
कितने मैग्नीट्यूड से इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टर की वैल्यूज पे, सो आर एफ डिवाइड बाय आर आई। तीसरा जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप एम्प को एज ए कंपैरेटर सर्किट। सो दो सिग्नल्स, दो इनपुट सिग्नल्स हम अप्लाई कर रहे हैं ऑप एम्प के इनपुट पे, वी इन वन जो है अप्लाई किया है इन्वर्टिंग इनपुट पे और वी इन टू सिग्नल जो है वो अप्लाई किया है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे। जैसे कि हमने बताया कि डिपेंड करता है इन दोनों सिग्नल्स की मैग्नीट्यूड क्या है। अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे जो वी इन टू सिग्नल अप्लाई किया वो हाई है एज कम्पेयर टू वी इन वन सिग्नल, तो आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। इसी तरह अगर वी इन वन सिग्नल जो कि इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई किया है वो हाई है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कम्पेयर टू वी इन टू सिग्नल, सो आउटपुट जो है लॉजिक जीरो पे सेट हो जाएगी। सो दोनों किस्म की जो कॉन्फ़िगरेशन हैं एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड एज ए कंपैरेटर, ये हम ए टू डी कन्वर्टर्स में यूज कर रहे हैं। अभी हमने एक ऑप एम्प को देखा, उसको कॉन्फ़िगर किया एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और उसको कॉन्फ़िगर किया एज ए कंपैरेटर। जैसे कि हमने बताया ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो हैं हम डिफरेंट ए टू डी कन्वर्टर्स में यूज करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं पहला जो है ए टू डी कन्वर्टर, जिसको हम कहते हैं फ्लैश ए टू डी कन्वर्टर। बेसिकली फ्लैश ए टू डी कन्वर्टर जो है इसका जो कन्वर्जन टाइम है ये फास्टेस्ट है, बहुत तेजी से इन्फॉर्मेशन पैरेलल में कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल फॉर्मेट। बाकी जितने भी ए टू डी कन्वर्टर्स हैं वो इससे स्लो हैं, सो हाई स्पीड एप्लीकेशंस में ये यूज होता है। जैसे हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि इसके सर्किट में बहुत सारे ऑप एम्प्स यूज करते हैं और उनको कन्फिगर किया हुआ है एज कंपैरेटर्स। सो अगर आपके पास 4 बिट जो है फ्लैश कन्वर्टर है तो उसमें कुछ ऑप एम्प्स लगेंगे, अगर नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दें तो ऑप एम्प्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी। सो बेसिकली जितना साइज जो क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं या क्वांटाइजेशन बिट्स हैं उनको बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ ऑप एम्प्स जो है वो बढ़ जाएंगे, जिससे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। सो ये बेसिकली ए टू डी कन्वर्टर जो है एक्सपेंसिव भी होते हैं। सो आइए पहले समझते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। फ्लैश कन्वर्टर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। बेसिकली एक रजिस्टर नेटवर्क है, इक्वल वैल्यू रजिस्टर्स हैं वो आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। एक एंड पे उसको कह लेते हैं टॉप एंड, उधर हम एक रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जो नीचे वाला एंड है इस रजिस्टर नेटवर्क का उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। सो लेट अस सपोज कि हमारे पास 8 रजिस्टर्स हैं ऑफ इक्वल वैल्यू कह देते हैं आर। सो आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, ऊपर जो है हमने वी रेफरेंस 8 वोल्ट्स, लेट अस सपोज कि 8 वोल्ट्स जो है हमारी रेफरेंस वोल्टेज है वो अप्लाई की है और नीचे वाला जो एंड है उसको हमने ग्राउंड कर दिया। सो अगर हम मेजर करें वोल्टेज हर रजिस्टर के अक्रॉस, सबसे नीचे वाला जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो है 1 वोल्ट होगी, उसके ऊपर वाला जो रजिस्टर है 2 वोल्ट, इसी तरह 3 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स, सबसे ऊपर जो रजिस्टर है उस पर अगर हम वोल्टेज मेजर करें तो उधर 8 वोल्ट हमारे पास अवेलेबल होगा। हमारे पास 7 कंपैरेटर्स हैं जिनका एक एंड जो है बेसिकली आप नेगेटिव जो है इन्वर्टिंग जो इनपुट टर्मिनल है वो हर रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। सो एक जो है सबसे नीचे वाला जो कंपैरेटर है उसका इन्वर्टिंग इनपुट जो है पहले रजिस्टर के आउटपुट के साथ लगा हुआ है। सो इधर जो है हम एक रेफरेंस वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह जो सेकंड वाला कंपैरेटर है उसका इन्वर्टिंग इनपुट जो है सेकंड रजिस्टर के आउटपुट के साथ लगा हुआ है, सो उधर हम 2 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह तीसरे कंपैरेटर के साथ जो है हमने रेफरेंस वोल्टेज 3 वोल्ट कनेक्ट किया है एंड सो ऑन। जो कंपैरेटर का नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, इनफैक्ट उधर हम जो इनपुट सिग्नल है जो सैंपल एंड होल्ड किया है जिसको हमने कन्वर्ट करना है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो सारे कंपैरेटर्स के जो पॉजिटिव इनपुट्स हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स उनके साथ हमने सैंपल एंड होल्ड सिग्नल को कनेक्ट किया हुआ है। अब बेसिकली इसको समझते हैं कि ये कंपैरेटर्स अब काम कैसे करेंगे। लेट अस सपोज के जो सैंपल एंड होल्ड सिग्नल है जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू है 5 वोल्ट्स। सो सबसे नीचे वाला जो कंपैरेटर है जिसके एक इनपुट पे 5 वोल्ट आ रहा है जो कि हमने सैंपल किया है होल्ड सिग्नल जो है, और दूसरा जो एंड है वो हमने रेफरेंस वोल्टेज 1 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो क्योंकि हाई वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग एंड पे कनेक्टेड है, सो कंपैरेटर का आउटपुट जो है वो हाई होगा, लॉजिक 1 होगा। इसी तरह अगर दूसरा कंपैरेटर उसको हम ले लें, उसका एक जो एंड है जो इन्वर्टिंग एंड है उधर रेफरेंस वोल्टेज हमने 2 वोल्ट कनेक्ट की हुई है और उसका जो नॉन इन्वर्टिंग एंड है उधर हमने वो जो सैम्पल सिग्नल है 5 वोल्ट वो कनेक्ट किया हुआ। सो क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज जो है नॉन इन्वर्टिंग एंड की वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज है वो हाई है एज कम्पेयर टू इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज, सो इस कंपैरेटर का भी आउटपुट 1 होगा। इसी तरह जो तीसरा कंपैरेटर है जिसके रेफरेंस वोल्टेज 3 वोल्ट है और इनपुट वोल्टेज जो है सैंपल होल्ड सिग्नल की वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसका भी आउटपुट 1 होगा। इस तरह चौथा और पांचवा कंपैरेटर उनके भी आउटपुट्स 1 होंगे। छठा और सातवां जो कंपैरेटर है उनकी क्योंकि जो रेफरेंस वोल्टेज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द सिग्नल जो हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उन दोनों की आउटपुट जो है 0-0 होगी। सो बेसिकली 7 कंपैरेटर हमारे पास हैं, पहले जो 5 हैं उनकी आउटपुट 1 है, जो आखिरी 2 हैं उनकी आउटपुट 0 है। बेसिकली कंपैरेटर की जो आउटपुट है वो हम कनेक्ट कर रहे हैं एक प्रायोरिटी इनकोडर के साथ। सो प्रायोरिटी इनकोडर जो है वो 8×3, बेसिकली 8 इनपुट्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं। सो 7 हमारे पास कंपैरेटर्स हैं, उन 7 जो आउटपुट्स हैं वो 7 इनपुट्स जो हैं प्रायोरिटी इनकोडर के उनके साथ हमने कनेक्ट की गई है। जो आखिरी वाला इनपुट है प्रायोरिटी इनकोडर का उसको हमने ग्राउंड कर दिया हुआ है। अब बेसिकली प्रायोरिटी इनकोडर को अगर हम समझें, डिपेंड करता है कि इनपुट कौन सा एक्टिव है, तो जो हाई प्रायोरिटी इनपुट एक्टिव होगा उस हिसाब से आउटपुट पे हमारे पास एक 3-बिट कोड आ जाएगा। सो अगर हम कंपैरेटर्स को देखें, पहले जो 5 थे उनके आउटपुट एक्टिव हैं और जो आखिरी 2 कंपैरेटर्स थे उनके आउटपुट जो हैं वो 0 एंड 0 हैं।
जो सातवां छठा कंपेरेटर है वो हाई प्रायोरिटी है, इस तरह पांचवें की लेस प्रायोरिटी है, चौथे की उससे भी लेस प्रायोरिटी है, और जो आखिरी वाला कंपेरेटर है उसके सबसे लो प्रायोरिटी है। सो अगर हमारे पास एक 8-3 प्रायोरिटी इनकोडर हो तो उसकी आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट कौन सी है। इस पर्टिकुलर केस में जो पांचवां कंपेरेटर है उसकी आउटपुट जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सो बेसिकली आउटपुट पे हमारे पास जो 3-bit सिग्नल आएगा, जो डिजिटाइज सिग्नल आएगा, वो होगा 101, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिफ्थ इनपुट जो है प्रायोरिटी इनकोडर का वो सिलेक्ट किया गया। सो बेसिकली हमारे पास इनिशियल जो सिग्नल था वो 5 वोल्ट था, जो सैम्पल एंड होल्ड सिग्नल था वो हमने अप्लाई किया, कंपेरेटर्स ने आउटपुट अपना चेंज किया, कंपेरेटर्स का आउटपुट जो है हम एक प्रायोरिटी इनकोडर में फीड कर रहे हैं, प्रायोरिटी इनकोडर के आउटपुट पे हमारे पास वो डिजिटाइज्ड वर्जन मिल रहा है। आइए देखते हैं इस सारे का सर्किट डायग्राम। डायग्राम में एक फ्लैश A to D कन्वर्टर दिखाया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे रजिस्टर नेटवर्क है, जिसका ऊपर वाला जो एंड है वो V रेफरेंस के साथ कनेक्टेड है। 8 रजिस्टर्स दिखाए गए हैं, सारों की इक्वल वैल्यू है। सबसे नीचे वाला जो रजिस्टर है उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। सो V रेफरेंस जो वोल्टेज है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी इन सारे रजिस्टर्स पे। रजिस्टर के आउटपुट जो हैं वो कंपेरेटर्स के इनपुट के साथ लगे हुए हैं, जो इन्वर्टिंग इनपुट्स हैं कंपेरेटर के उनके साथ कनेक्टेड है। सो 7 कंपेरेटर्स दिखाए गए हैं। सबसे नीचे वाला जो कंपेरेटर है उसके इन्वर्टिंग इनपुट के साथ जो सबसे वाला नीचे रेजिस्टर है उसके क्रॉस जो भी वोल्टेज है वो कनेक्टेड है। इस तरह उसके ऊपर जो कंपेरेटर है उधर जो रेफरेंस वोल्टेज है वो डिपेंड करता है जो नीचे वाले 2 रेजिस्टर पे जो भी वोल्टेज है वो कनेक्ट की हुई है, इसी तरह बाकी कंपेरेटर्स के साथ। जो इनपुट सिग्नल है, जो कि सैंपल एंड होल्ड सिग्नल है, जो कि एनालॉग सिग्नल को हमने सैंपल किया था, वो हम अप्लाई कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे सारे कंपेरेटर सर्किट के साथ। सो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जो सैंपल एंड होल्ड सिग्नल है वो कनेक्टेड है सारे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट सारे कंपेरेटर्स के साथ। कंपेरेटर्स के जो आउटपुट हैं वो 7 आउटपुट्स हैं, वो प्रायोरिटी इनकोडर के इनपुट के साथ कनेक्टेड हैं। प्रायोरिटी इनकोडर का जो 8वां इनपुट है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। प्रायोरिटी इनकोडर के 3 आउटपुट्स हैं, क्योंकि ये 8-3 प्रायोरिटी इनकोडर है, और सबसे नीचे एक इनेबल सिग्नल दिखाया गया है। सो जो ही हमने एक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, कंपेरेटर्स जो हैं अकॉर्डिंगली 0 या 1 आउटपुट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सैंपल एंड होल्ड सिग्नल। हम इनेबल कर देंगे प्रायोरिटी इनकोडर को, तो जो भी इनपुट वैल्यू होगी अकॉर्डिंगली एक 3-bit आउटपुट कोड जनरेट हो जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा सैंपल एंड होल्ड सिग्नल को। अब इसी तरह नेक्स्ट जो सैंपल एंड होल्ड सिग्नल है उसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम सैंपल एंड होल्ड जो सिग्नल है वो अप्लाई करेंगे, अगेन इनेबल सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे, प्रायोरिटी इनकोडर जो है अगेन एक नई वैल्यू जो है जो उसके इनपुट पे अप्लाई हो रही है वो कन्वर्ट कर देगा, हमारे पास एक नया 3-bit आउटपुट आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल इनपुट सैंपल एंड होल्ड सिग्नल। आइए देखते हैं इस फ्लैश कन्वर्टर का टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम में नीचे इनेबल पल्सेस दिखाई गई, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट टाइमिंग इंटरवल्स पे जब ये फ्लैश कन्वर्टर जो है इनपुट सैंपल एंड होल्ड सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है। सो एनालॉग इनपुट वोल्टेज जो है जो सैंपल हुई हुई और होल्ड है वो दिखाई गई है। सो पहले इंटरवल में 4 और 5 के दरमियान है, उसके बाद 6 और 7 के दरमियान है, उसके बाद 7 और 8 के दरमियान, एंड सो ऑन। सो हर इंटरवल पे हम इनेबल जो पल्स है वो अप्लाई कर रहे हैं और जो फ्लैश कन्वर्टर है वो उसको चेंज कर रहे हैं इनटू 3-bit आउटपुट। दूसरा जो टाइमिंग डायग्राम दिखाया गया है वो दिखा रहा है हमें आउटपुट पे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है हर इनेबल पल्स पे। सो पहले इनेबल पल्स पे आउटपुट पे हमारे पास 4 आ रहा है, ये डिपेंड कर रहा है जो इनिशियल सिग्नल था। इस तरह सेकंड इनेबल पल्स पे हमें एक नई आउटपुट मिल रही है जो कि 6 है, अगेन ये डिपेंड कर रही है इनिशियल सैंपल पे, एंड सो ऑन। सो इधर डिफरेंट सैंपल्स दिखाए गए फॉर 12 टाइम इंटरवल्स। अभी हमने फ्लैश कन्वर्टर को देखा है, बेसिकली इसमें बहुत सारे ऑप एम्प्स यूज हो रहे हैं जो कि एज कंपेरेटर कन्फिगर किए हुए हैं। जैसे कि डायग्राम से जाहिर है अगर हम फ्लैश कन्वर्टर जो है उसको 3-bit से 6-bit में बढ़ा दें उसमें, तो जो कंपेरेटर्स हैं वो डबल हो रहे हैं। इसी तरह मजीद हम आउटपुट बिट्स जो बढ़ाएं, क्वांटाइजेशन लेवल बढ़ाएं, तो मजीद आपके जो है कंपेरेटर सर्किट जो है वो बढ़ रहे हैं। कंपेरेटर सर्किट बेसिकली कॉम्प्लेक्स सर्किट हैं जो काफी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टन लिमिट सर्टन क्वांटाइजेशन लेवल। आइए अब एक दूसरा हम जो है A to D कन्वर्टर डिस्कस करते हैं, ड्यूल स्लोप A to D कन्वर्टर। ड्यूल स्लोप A to D कन्वर्टर जो है वो स्लो है एज कम्पेयर टू द फ्लैश कन्वर्टर। सो बेसिकली ये हाई स्पीड एप्लीकेशन में जाहिर है इस्तेमाल नहीं होगा। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है आपके डिजिटल वोल्ट मीटर्स जो हैं और दूसरे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है। ड्यूल स्लोप क्यों कहते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। बेसिकली हम जो है एक इंटीग्रेटर हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हम इसी ऑप एम्प को कन्फिगर किया हुआ है एज एन इंटीग्रेटर। इसमें हम इनिशियली जो है जब हम इनपुट वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू डिजिटल वैल्यू, तो एक स्लोप वोल्टेज स्लोप होगा जो नेगेटिव स्लोप होगा, और उसके थोड़े देर बाद ये सर्किट खुद ही स्विच करेगा और एक पॉजिटिव गोइंग स्लोप जनरेट करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ड्यूल स्लोप, बेसिकली 2 स्लोप्स जनरेट कर रहा होता है कन्वर्जन के लिए। सो आइए देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम, और सर्किट डायग्राम की मदद से इस सर्किट के ऑपरेशन को समझते हैं। ड्यूल स्लोप A to D कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्विच है, इसका एक जो इनपुट है वो एनालॉग इनपुट वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, जो बेसिकली जो सैंपल है जिसको हमने डिजिटाइज करना है, और नीचे जो है दूसरा एंड जो है स्विच का वो एक नेगेटिव V रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। सो इनिशियली बेसिकली जो स्विच है वो एनालॉग इनपुट वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है।
स्विच के राइट हैंड साइड पे एक ऑप एम्प लगा हुआ है जिसको हमने कनेक्ट किया एज एन इंटीग्रेटर या एज ए रैंप जनरेटर। ये बेसिकली इसके आउटपुट पे एक कांस्टेंट वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस होगा। इस कंपैरेटर के या इस इंटीग्रेटर के इनपुट पे एक रेजिस्टर लगाया हुआ है और एक फीडबैक कैपेसिटर लगाया हुआ है। जो पॉजिटिव इसका जो एंड है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। जो ही हम स्विच को एनालॉग इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं एक करंट फ्लो होगा जो कि इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा। रेजिस्टर का जो एंड इस इंटीग्रेटर सर्किट के साथ कनेक्टेड है वो बेसिकली ग्राउंड वोल्टेज पे है। सो कैपेसिटर का जो एंड हमने आउटपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स आउटपुट जो वोल्टेज है वो जीरो से नेगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। बेसिकली ये कैपेसिटर जो है थोड़ी देर में जो इनपुट वोल्टेज है उस वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा। इंटीग्रेटर सर्किट के राइट साइड पे एक कंपैरेटर दिखाया गया है जिसका एक पॉजिटिव एंड जो है वो ग्राउंड किया हुआ है और नेगेटिव एंड जो है वो इंटीग्रेटर के आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। जैसा कि हमने कंपैरेटर को पहले एक्सप्लेन किया था, अगर नेगेटिव जो इनपुट सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो पॉजिटिव इनपुट सिग्नल से सो इसका आउटपुट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरह अगर पॉजिटिव सिग्नल वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव इनपुट सिग्नल के तो इसका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो जो ही इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई की जो इंटीग्रेटर का आउटपुट है वो जीरो से नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। कंपैरेटर का जो पॉजिटिव इनपुट सिग्नल है वो ग्राउंड के साथ है और जो नेगेटिव इनपुट सिग्नल है वो आउटपुट के साथ है जो कि नेगेटिव हो गया या कम हो गया एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव इनपुट सिग्नल। दैट मीन्स कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा। जब हाई होगा तो उसके साथ जो एंड गेट कनेक्टेड है उसको इनेबल कर देगा। एंड गेट का जो दूसरा इनपुट है वो एक क्लॉक सिग्नल के साथ लगा हुआ है। दैट मीन्स क्लॉक सिग्नल जो है वो एंड गेट के आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह जब कंपैरेटर का आउटपुट हाई होगा नीचे कंट्रोल लॉजिक सर्किटरी है उसको ट्रिगर कर देगी। काउंटर जो है वो रीसेट हो जाएगा जो ही कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल लॉजिक के पास वो पल्स मिलेगा। काउंटर को 0000 पे सेट कर देगा। क्लॉक सिग्नल्स की वजह से काउंटर जो है इंक्रीमेंट करना शुरू हो जाएगा। अब ये काउंटर जो है कितने काउंट वैल्यू तक इंक्रीमेंट करेगा ये डिपेंड कर रहा है कि ये 4 बिट काउंटर है या 8 बिट काउंटर है। सो अगर n बिट काउंटर है तो n बिट्स तक ये काउंट अप करेगा। अब जो ही ये अपने टर्मिनल काउंट तक पहुंच जाता है तो ये वापस रिसाइकल होके 0000 पे आएगा। सो बेसिकली टर्मिनल काउंट पे ये काउंटर जो है एक पल्स भेजेगा कंट्रोल लॉजिक सर्किट को। कंट्रोल लॉजिक जो सर्किट है वो एक स्विच सिग्नल भेजेगा जो कि स्विच को एनालॉग इनपुट से चेंज करके माइनस वी रेफरेंस के साथ कनेक्ट कर देगा। जो ही स्विच माइनस वी रेफरेंस के साथ कनेक्ट होगा इनपुट सिग्नल जो है उसके थ्रू करंट जो है जो चार्ज कर रहा था कैपेसिटर को वो स्टॉप हो जाएगा और कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज करना शुरू हो जाएगा क्योंकि वी रेफरेंस जो है वो नेगेटिव है। सो जो ही कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा जो इंटीग्रेटर सर्किट का आउटपुट है जो कि कुछ नेगेटिव वोल्टेज तक पहुंचा हुआ है जो कि इक्विवेलेंट है इनपुट जो सैंपल सिग्नल था उससे जीरो की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो ही कंपैरेटर का नेगेटिव इनपुट जो है वो जीरो पे पहुंचेगा पॉजिटिव इनपुट क्योंकि जीरो है कंपैरेटर का आउटपुट जीरो हो जाएगा। जो ही जीरो होगा क्लॉक सिग्नल जो है वो डिसेबल हो जाएगा क्योंकि एंड गेट का इनपुट जो है वो डिसेबल हो रहा है। सो क्लॉक सिग्नल जो ही डिसेबल होगा काउंटर जो है काउंट करना बंद हो जाएगा। इसको अगर आप वापस जाके हम दोबारा से समझें जब काउंटर जो है अपने टर्मिनल काउंट पे पहुंचता है तो उधर से दोबारा काउंट अपना 000 वैल्यू से शुरू कर देता है। सो उसी इंस्टेंट में हमने स्विच को माइनस वी रेफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है। सो बेसिकली अगर आप इस पर गौर करें काउंटर जो है काउंट करेगा जीरो वैल्यू से कुछ एन काउंट तक डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और इंटीग्रेटर का आउटपुट जो है वो जीरो पे आ रहा है। बेसिकली ये डिपेंड करेगा कि एनालॉग इनपुट जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू थी। अगर लेट्स से 2 वोल्ट थी तो कैपेसिटर 2 वोल्ट के लिए चार्ज हुआ है तो वापस 2 वोल्ट से जीरो पे आना थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इनपुट वैल्यू जो है जो सैंपल है वो 5 वोल्ट था कैपेसिटर 5 वोल्ट पे चार्ज हुआ है सो 5 वोल्ट से वापस 0 वोल्ट पे आने के लिए ज्यादा टाइम लेगा। दैट मींस काउंटर जो है वो ज्यादा देर तक काउंट करेगा। 2 वोल्ट के केस में काउंटर जो है कम काउंट करेगा। सो बेसिकली जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है 0 वोल्ट पे आ जाता है कंपैरेटर जो है अगेन एक पल्स भेजेगा कंट्रोल लॉजिक जो है जो भी काउंटर पे इंफॉर्मेशन है उसको लैच कर देगा और लैच पे जो भी इंफॉर्मेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट सिग्नल का डिजिटाइज्ड वर्जन। आज हमने लेक्चर में दो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर देखे फ्लैश कन्वर्टर और ड्यूल स्लोप कन्वर्टर। एक आखिरी जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।